नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइमरी के न्यूज चैनल सच का साथ। स्वर्गीय जगदलपुर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां पर मां दत्तेश्वरी के भक्त किन्नर समाज पहुंचे, जहां पर राजा के पास। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। आप जानते हैं हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रि पूजा सभी भक्तों द्वारा अपने रीति रिवाज से मनाई जाएगी। इसी रीति रिवाज को किन्नर समाज भी बखूबी निभाते हैं। हर साल किन्नर समाज की कमेटी द्वारा सुहागन का पहला जोड़ा मां दंतेश्वरी को चढ़ाई जाती है। इस साल कोरोना काल में भी मां दंतेश्वरी के सुहागन का पहला जोड़ा चढ़ाने के लिए पूरी तैयारियां कर चुकी है, ताकि किन्नर समाज सुहागन का पहला जोड़ा मां दंतेश्वरी को चढ़ाए। इसलिए आज किन्नर समाज के सभी लोग शासन प्रशासन से आदेश लेने पहुंचे। इसके बाद नवरात्रि में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इस विषय में चर्चा करने बस्तर के राजा कमलचंद भंजदेव के पास पहुंचे और चर्चा की। बस्तर के राजा किन्नर समाज का आभार व्यक्त किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया। संवाददाता मोहम्मद शाहबाज खान की रिपोर्ट। बताएंगे परिचय बताएंगे आप। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम है रिया सिंह परिहार और मैं हूँ जगदलपुर किन्नर समाज के अध्यक्ष। परमिशन हम लोगों को कलेक्टर सर ने नहीं देने का था, पर फिर भी हर साल की परंपरा को देखते हुए किन्नर समाज के लोग पहले सुहागन का पहला जोड़ा चढ़ाते, इसलिए कलेक्टर सर ने हमको कल ही परमिशन दिया और आज ही हम इस चीज़ की तैयारी पर जुट गए हैं, जो कि कल शोभा यात्रा हम किन्नर समाज का निकलेगा सुहागन का पहला जोड़ा चढ़ाने का, जो कि दिन को 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक पहुँच जाएगा। क्या इस परमिशन आप लोगों को मिल गया तो खुश हो आप लोग? हाँ, हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश इसलिए हैं कि हमारे बस्तर में जो कि हमारा परंपरा चला आया है और माँ दंतेश्वरी के लिए जो हम लोग सुहागन का पहला जोड़ा किन्नर समाज की तरफ से आता है, वो इस साल भी कोरोना वायरस को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग इस साल भी छोटा मोटा सुहागन का जोड़ा चढ़ाएंगे। जगदलपुर में आप लोगों का समाज सर, जैसे कि हर साल नवरात्रि का पूजा मनाया जाता है सर, क्या इस बार भी कोरोना महामारी को देखते हुए भी इस बार उसी कायदे कानून से मनाई जाएगी सर? देखिए, नवरात्रि में इस बार एक चीज़ें कम होंगी कि हमारे श्रद्धालु जो आते हैं मंदिर में वो नहीं आ पाएंगे इस बार। इस बार हम यही प्रार्थना करते हैं और ये निवेदन करना चाहते हैं हमारे श्रद्धालुओं से, आराध्य माई दंतेश्वरी के सभी पुजारी सभी के आराध्य माता हैं, सब अपने घरों पर कलश स्थापना करके उनकी पूजा अर्चना करें, क्योंकि अभी जो समय है ये बहुत ही खराब समय हमारे सबके लिए है, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ के साथ साथ बस्तर भी अछूता नहीं रहा है, क्योंकि आज भी कोविड-19 के बहुत सारे पेशेंट्स हमारे शहर पे भी निकल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी परंपरा है और आराध्य माई दंतेश्वरी की पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इस बार जो जोत जलेंगे वो बहुत कम जलेंगे और मंदिरों में ज़्यादातर लोग नहीं जा पाएंगे, मगर यही प्रार्थना है कि आराध्य माई दंतेश्वरी सबके जगह सभी के घरों पर आती जाती है, माता है, सब जगह उपस्थित रहती हैं, अपने घरों में उनका पूजा अर्चना। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।